बिहार के काछवा रोड पर गांव शामली के समीप एक 22 वर्षीय युवक की बाइक किसी अज्ञात वाहन के साथ टकरा गई है। इस दुर्घटना में युवक की मौत हो गई है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सीतामाई रोड पर शामली के समीप एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को करनाल रेफर किया गया था। पहले इसके इलाज के लिए मृतक को गाँव की CHC में ले जाया गया, जहाँ से इनको करनाल रेफर कर दिया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक का चेकअप करवाया गया तो ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते इसका दाह संस्कार नगर निगम की ओर से करवाया जाएगा। बलड़ी बाईपास पर से शमशान घाट में युवक के पार्थिव शरीर को अग्नि दी जाएगी। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि फिलहाल डॉक्टरों द्वारा शव को परिजनों को सौंपने से मना कर दिया गया है और इसका दाह संस्कार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तरह नगर निगम की ओर से किया जाएगा। बताते चले कि 22 वर्षीय अजय काछवा का रहने वाला था। अजय शादियों में आइसक्रीम का स्टॉल लगाता था। बीती रात किसी शादी से काम करके घर लौट रहा था, तभी शामली से सीतामई रोड पर एक अज्ञात मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। हाँ जी, क्या घटना हुई? ये जी किसी काम के लिए गया था आगे शामली साइड में और आते आते इसको एक्सीडेंट हो गया। कहाँ की घटना है? ये है जी सीतामई के पास ही है, जो और सीतामई के शामली के बीच में है, वहाँ से इसका एक्सीडेंट हो गया। मेरी तक कहाँ का रहने वाला है? काछवा से है जी। कितनी उम्र है इनकी? अबाउट 22 साल। 22 साल। शादी से तो थे? नहीं, अनमेरिड है। मोटरसाइकिल के साथ एक्सीडेंट हुआ? मोटरसाइकिल के साथ, मोटरसाइकिल पे थे। मोटरसाइकिल के साथ ही हुआ? हाँ। ये क्या काम करते थे? वैसे लेबर का ही काम करता जी, कहीं नहीं, मुझको एक ये कोई फैक्ट्री में लगा हुआ था पहले। अच्छा, हाँ। काम करके घर जा रहे थे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सतपाल है। जी सर, ये क्या मामला है अजय वाला, कैसे एक्सीडेंट और इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? सर, रात को हमारे को सूचना मिली कि भाई सांभड़ी के पास एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो जैसे हम मौके पर गए तो उस टाइम वो अपना CHC सांभड़ी से उसको रेफर कर दिया था करनाल के लिए। तो मौके पर जाया गया देखा तो बाइक एक्सीडेंट सुधा वहीं पड़ी थी। फिर रात को रूख का प्राप्त हुआ ब्रोडेड का। जैसे हम कार्रवाई के लिए आए तो यहाँ डॉक्टर साहब से पता लगा भी ये कोरोना पॉजिटिव है। तो डॉक्टर साहब कह रहे भाई इसका पोस्टमार्टम नहीं होगा, इसको कोरोना पॉजिटिव है, इसका संस्कार बलड़ी बाईपास में होगा। तो परिजन अब कह रहे सब दो हमारे को? हाँ, सब कह रहे जी। वो तो देखो डॉक्टर साहब के ऊपर बात है जी, देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो अपना सरकारी वो है जी। अच्छा, तो अब कहाँ पर होगा संस्कार इसका? नगर निगम के कर्मचारी? हाँ जी, नगर निगम के टीम के अनुसार उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।